कि आरक्षण को कोस देते हैं ये लोग, जी कि ये तो रिजर्वेशन की वजह से आज ये डॉक्टर बन गया, या रिजर्वेशन की वजह से आज ये आईपीएस आईएएस बन गया, या कुछ भी है। लेकिन इसमें तो कोई जी रिजर्वेशन वाला कुछ मैटर था नहीं, ये तो पूरी दुनिया भर के लिए था। ये तो वही था जिसको पता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, वो अपना आवेदन करो और विजेता बनो। अगर आपके नाम के साथ कोई अच्छा सा टाइटल लगा होता, भारद्वाज शर्मा या ठाकुर या कुछ भी लगा होता, तो जितने भी मीडिया वाले हैं या जितने भी अप्रिशिएट करने वाले हैं, वो सब तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे होते, जी तुम अभी तक एक सुपरस्टार बन चुके होते। ये भारत है, यहाँ हीरे को चमकने के लिए कुछ ज़्यादा घिसना पड़ता है। हमारे गाज़ियाबाद ज़िले की मेयर थी आशा शर्मा जी थी। हम आपको 1 लाख रुपए की मदद करेंगे जब आपको आवश्यकता पड़े, या कभी भी हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे। फिर टाइम बीतता गया, 2 महीने 4 महीने हुए, उसके बाद जब फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन हुआ, तो तब हमने उनसे कहा, मैम से, कि अब शायद हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस टाइम फ़ोन मैम ने नहीं उठाया, उनके पीए ने उठाया था। तो जब फिर उनसे बोला कि एक बार बात करा दो, बात करा दो, तो वो बात कराने को तैयार नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना भी छोड़ दिया। नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम लोग हैं गाजियाबाद की उन तंग गलियों में जहां पर एक छोटे से बच्चे ने इतिहास रचने का काम किया है। नासा के अंदर पहुंचा बहुजन समाज का एक छोटा सा बालक, सिर्फ 12th पास कर रखी है, अजय नाम है उनका। उनके परिवार के लोगों से हम मुलाकात करेंगे। हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। नमस्कार नमस्कार अजय जी, कैसे हैं आप? अजय के घर पर हम लोग आ गए हैं। मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, कैमरामैन को बोलूंगा, यहाँ पे कुछ परिवार के सदस्य भी बैठे हुए हैं, उनसे भी हम लोग जानेंगे। सर नमस्ते, मेरा नाम प्राची है, अजय की बड़ी बहन। अजय की बड़ी बहन है, आप अपना परिचय दीजिए। सर नमस्ते, मैं अजय की मदर। अजय की मदर हैं और आप अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैं अजय का कजन ब्रदर हूँ। कजन ब्रदर हैं और भी साथी हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बंटी है, मैं अजय का बड़ा भाई हूँ। अजय के बड़े भाई पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो आज हमारे साथ अजय हैं जो नासा तक अपना परचम लहरा चुके हैं। अजय जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले तो जी सर शुक्रिया, नमस्कार आपकी सभी दर्शकों को। जी अजय जी, आपसे सीधा सवाल हम लोग जानना चाहेंगे, नासा तक कैसे पहुँचे आप, इन गली कूचियों से निकल कर, वह बताएं। सर बात शुरू होती है 2021 से, जिस समय कोरोना की दूसरी लहर हमारे देश के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुकी थी, जिसके कारण लॉकडाउन लगा हुआ था और स्कूल कोचिंग कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद थे। तो घर में रह के मैं YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस या जर्नल नॉलेज फैक्ट वीडियोस में देखता रहता था। तो उस समय उन वीडियोज़ के बीच में एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें ये बताया हुआ था कि नासा ने एक डीप स्पेस फूड चैलेंज के नाम से दुनिया भर के लोगों के लिए एक चैलेंज शुरू किया है। जी। उस चैलेंज की मुख्य विशेषता ये थी कि नासा को अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, जो अब मंगल ग्रह पर जाने वाले हैं, उनके लिए कुछ फूड सप्लीमेंट की ज़रूरत थी जो उन्हें 3 साल तक ज़िंदा रखने में मदद कर सके। इसकी शर्तें ये थी कि खाना वज़न में हल्का हो, टेस्टी हो, और उसमें सारे विटामिन, कैल्शियम, कैलोरी, प्रोटीन सब कुछ मिल जाए पूर्ण मात्रा में, खाना टेस्टी भी हो, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करे। तो ऐसा एक खाना तैयार तो मिलता नहीं, तैयार करना पड़ता है आयुर्वेद से। तो वो मैंने 1 हफ़्ता पहले पापा जी के ऊपर ट्राई करके, फिर मैंने उनको उसके बारे में बताया, और अक्टूबर 2021 में उन्होंने मुझे फेज़ 1 का विनर घोषित किया। जी। और पूरे भारत से मैं इकलौता इस चैलेंज का विजेता बना हूँ। बाकी पूरी दुनिया भर में से 28 लोग हैं जो फेज़ 1 में विनर हुए। उन 28 में से 18 केवल अमेरिका के हैं। जी। बाकी जो 10 हैं वो अन्य देशों से हैं, और भारत से मैं इकलौता हूँ। भारत से आप इकलौते हैं, लेकिन क्या कारण है कि जिस तरीके से आपने इतना बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया, पूरे भारत के लिए काम किया आपने, लेकिन वो जो अखबारों की खबरें होती थी वो नज़र नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है? कि आप क्या समझते हैं, मतलब जो खबरें होनी चाहिए कि ना, एक हमारे आज गाजियाबाद के स्टूडेंट ने इतना बड़ा परचम लहराया, उस तरीके से आपका पब्लिसिटी नहीं दिखाई दी है, या प्रचार नहीं दिखा पाया, या सरकारी संस्थानों को जो करना चाहिए था वो नहीं दिखा पाए, क्या कहना चाहेंगे? हम ADM सिटी से मिलने गए थे गाज़ियाबाद के जी। उस समय विपिन कुमार जी थे, तो उन्होंने बोला था कि अगर आपके नाम के साथ कोई अच्छा सा टाइटल लगा होता, भारद्वाज शर्मा या ठाकुर या कुछ भी लगा होता, तो जितने भी मीडिया वाले हैं या जितने भी अप्रिशिएट करने वाले हैं, वो सब तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे होते जी। तुम अभी तक एक सुपरस्टार बन चुके होते। ये भारत है, यहाँ हीरे को चमकने के लिए कुछ ज़्यादा घिसना पड़ता है जी। तो ये सब बातें थी उनकी, ADM सर की जी। उन्होंने बोला था कि, जब हमने उनसे कहा, मैंने बोला था, पापा जी भी थे साथ में,
जब मैंने बोला कि अगर आप हमारी बात सीएम सर तक पहुंचा सकते हैं तो अगर सीएम सर एक बार पीठ थपथपाने का काम करेंगे, अप्रिशिएट करने का काम करेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन उन्होंने बोला था कि बेटा अगर मैं तुम्हारी ऐसी मदद करता हूँ तो मेरी कुर्सी खतरे में आ सकती है, मेरी नौकरी जा सकती है जी। तो ये सब बातें थी और ऐसी अटपटी सी बातें सुनने के बाद फिर वापस कभी उनके पास जाने का मन नहीं किया जी। सिर्फ इतना ही था लेटर में, ज़्यादा कुछ नहीं था जी। अब बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि आपको किसी ने 1 लाख रुपए देने के भी ऑफर दिया था, तो वो 1 लाख रुपए था या वो मिला या नहीं मिला, कौन थे वो लोग जो आपको 1 लाख रुपए देने वाले थे और उसके बावजूद उन्होंने नहीं दिया? वो हमारे गाज़ियाबाद ज़िले की मेयर थी, अभी तो चेंज हो गए मेयर, पहले आशा शर्मा जी थी हमारे गाज़ियाबाद की मेयर थी। उन्होंने जब इस उपलब्धि के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया था जी। अपने घर पे बुला के और नाश्ता पानी अच्छे से करा के और साथ में मेरे बैठे थे, जैसे अभी हम साथ बैठे हैं ऐसे मैम साथ बैठी थी जी। उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा, मैंने सब कुछ बताया, तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि वैसे तो हमें कोई हक होता नहीं है संवैधानिक तौर पर कि हम किसी बच्चे की या किसी की भी हम पैसे से मदद कर सकें, लेकिन हम अपनी दरिया दिली दिखाते हुए हम आपको 1 लाख रुपए की मदद करेंगे जब आपको आवश्यकता पड़े या कभी भी, हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे जी। और ये बात जब उन्होंने बोला तो अच्छा लगा, काफ़ी खुशी हुई कि कोई तो है जो हमारी मदद करने आया है। तो जो भी हमारे सारे डॉक्यूमेंट थे उसकी एक कॉपी हमने मेयर मैम को दी, उसके पीछे उन्होंने बोला था कि अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर वगैरह लिख दीजिए, तो वो सब लिख के और उन्हें हमने दे दी। लेकिन फिर टाइम बीतता गया, 2 महीने 4 महीने हुए, उसके बाद जब फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन हुआ तो तब हमने उनसे कहा मैम से कि अब शायद हमें ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस टाइम फ़ोन मैम ने नहीं उठाया, उनके पीए ने उठाया था। तो जब फिर उनसे बोला कि एक बार बात करा दो तो वो बात कराने को तैयार नहीं हुए, उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाना भी छोड़ दिया जी। उनसे मिलने की कोशिश की तो वो मिलते भी नहीं थे जी। तो कुल मिला के बात यही है कि उनकी तरफ से तो ना हो चुकी थी कि अब वो नहीं देंगे जी। लेकिन कोशिश हमारी पूरी रही हर कदम पे, हर किसी व्यक्ति के साथ जी। मदद करने कोई सामने से बहुत ही कम लोग आए हैं जी। और ये जो 1 लाख रुपए वाली बात है तो मेयर ने आशा शर्मा मैम ने कही थी लेकिन दिए नहीं जी जी। क्या कहना चाहेंगे, पहले तो मैं आपसे जो अपने फूड प्रोडक्ट बनाया था वो किस तरीके का फूड प्रोडक्ट था, उसको कैसे खाकर इस्तेमाल करते हैं वो बताएं, थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दें। ये एक जंगल की जो घास होती है, कुछ ऐसी एक जड़ी बूटी होती है जिसके बीज को जी। सुखा करके उसका अच्छे से चूरन बना लेते हैं जी। और उस चूरन का सेवन किया जाता है, तो 5 से 6 ग्राम चूरन हमारा 24-48 घंटे तक वो काम करेगा जी। उसके बाद भूख नहीं लगेगी और वो शरीर में सारे पोषण तत्व जितने भी चाहिए उन सब की पूर्ति करता रहेगा जी। और 5 से 6 ग्राम 1 चम्मच बराबर होता है, अगर 1 चम्मच खा लेते हैं तो 1 दिन 2 दिन तक कोई दिक्कत नहीं जी। पानी की भी ज़रूरत ना के बराबर ही पड़ेगी जी। तो जब हम बहुत थोड़ा सा खाएंगे तो वेस्ट प्रोड्यूस भी ना के बराबर ही है जी। और वो वज़न में हल्का भी होता है, टेस्टी भी होता है जी। तो इसका ट्रायल मैंने उन्हें नासा को बताने से पहले 1 हफ्ता मैंने पापा जी के ऊपर ट्राई किया था जी। संडे टू संडे मैंने बोला था कि मैं आपको एक सप्लीमेंट दे रहा हूँ, उसका ट्राई करना, जैसे मैं बोलूँगा सिर्फ वो खाना है, फालतू कुछ नहीं खाना जी। तो पापा ने किया 1 हफ़्ता और कोई दिक्कत नहीं हुई उन्हें। और उसके बाद जब 1 हफ़्ता यहाँ मेरा जो ट्रायल था वो सक्सेसफुल हो गया, तो फिर मैंने नासा को एक छोटा सा पैराग्राफ बना के उसके बारे में बता के उसके साइंटिफिक नाम जहाँ से भी मुझे मिल सके, गूगल से या किताबों से, जहाँ से मैंने ढूँढना चाहा मुझे मिले, और मैंने नासा को बता दिया जी। तो उन्होंने वहाँ पे इसके ऊपर ट्राई किया होगा कि पहले तो उन्होंने देखा होगा साइंटिफिक नाम उनके पास है ये जड़ी बूटी या नहीं है, फिर जो कुछ भी उनका प्रोसेस रहा होगा जी। तो उन्होंने फिर पूरी दुनिया से 28 लोग विनर घोषित किए और इंडिया से एक मैं अकेला विनर बना। जब आप विनर बने तो नासा ने आपको कोई गिफ्ट वगैरह या कुछ धनराशि कुछ प्रोवाइड कराया, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसका एक वो था, एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था दुबई में जी। तो 21 तारीख को ये विनर घोषित हुए, 21 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद वहाँ पे 29 तारीख का प्रोग्राम था दुबई में, और उससे 2-2.5 दिन पहले हमारे पास मेल आया जी। कि आप इनवाइटेड हो, दुबई में ये प्रोग्राम हो रहा है, इसके जितने भी विनर्स हैं इंटरनेशनल जो विनर्स हैं वो इसमें इनवाइटेड हैं जी।
तो वो मेल मेरे पास भी आया, मैं भी इनवाइटेड था, लेकिन उस टाइम एक तो सबसे पहले समय की कमी थी, हमारे पास 2-2.5 दिन थे, पासपोर्ट नहीं था, वीज़ा नहीं था, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं थी किसी की भी, और ख़ुद फाइनेंशियली हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी जो हम 2-2.5 दिन में ये सब अरेंज कर सकें। तो जो अमेरिकन जो लोग जीते थे 18, उन्हें $25,000 इनाम के तौर पे, उन्हें विनर होने के तौर पे दिए गए थे। बाकी जो 10 इंटरनेशनल विनर्स थे उन्हें $30,000 मॉनेटरी प्राइज के तौर पे दिए गए थे, और वो $30,000 भारतीय रुपए में 20-21 लाख रुपए करीब बनते हैं जी। तो अगर मैं दुबई जा सकता था तो वो प्राइज मुझे मिलता जी। तो मैं वहाँ जा नहीं पाया जी। और उस इवेंट के जो इंस्टाग्राम पे फोटोज़ भी हैं, तो वहाँ 9 लोग तो पहुँच चुके हैं, 1/10वां नहीं पहुँच पाया जो आपके साथ है अभी जी। अजय क्या कहना चाहेंगे जब आपको मेयर ने या जिन्होंने भी बोला कि अगर आप एक तिवारी होते, चतुर्वेदी होते, त्रिपाठी होते, भारद्वाज होते तो आप कहीं ज़्यादा उपलब्धियां पाते, तो कभी जाति को लेके आपके मन में कोई अपने ऊपर शक आया कि मेरे को अच्छी जाति में पैदा होना चाहिए था, मैं गलत जाति में पैदा हो गया हूँ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि ये सब तो इंसानों का बनाया हुआ है जी। सबकी अपनी अपनी सोच है जी। सब कैसा सोचते हैं वो तो उस आधार पे बोल सकते हैं जी। लेकिन मुझे तो काफ़ी प्राउड फील होता है कि मैं इस जाति से हूँ। बाबा साहब अंबेडकर भी हमारे जैसे ही थे जी। जब उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने और देश के और दुनिया के सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनके उनकी जाति में पैदा होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है जी। वो मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है उन लोगों की जो इसको बड़ी उपलब्धि नहीं मानते या फिर जाति का दबाव डाल के इसको दबाना चाहते हैं जी। वो उनकी अपनी सोच है, अपनी बुद्धि है जी। बाकी तो कुछ भी नहीं, बाकी सब ठीक है। क्या कहना चाहेंगे जब अपने यार दोस्तों को आप बताते हैं कि मैंने इतना बड़ा काम किया, नासा के लिए ऐसा फूड प्रोडक्ट बनाया है, तो पहली बात तो जैसे आपने बताया कि नासा को ही नहीं समझ पाते लोग, तो जब साथ में आप अपने कैजुअल दोस्तों के साथ बैठते हैं तो किस तरीके का रिएक्शन आता था वो बताएं। ऐसा हुआ था कि इसके बारे में हमने किसी को भी नहीं बताया था, वो मई की बात है, शायद अप्रैल मई में जब रजिस्ट्रेशन किया था तो तब किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि हमने ये सोचा था कि विनर बनने तक या ये विनर बनने तक या हारने तक भी जब तक रिजल्ट आता है तब तक हम किसी को नहीं बताएंगे, बिल्कुल सीक्रेट रखा जाएगा जी। और किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ हम फैमिली में 5 लोग हैं जी। मैं, 2 बहनें, मम्मी पापा, सिर्फ हमको पता था। तो जब रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आने के बाद जब बताया गया तो हमारे कोचिंग टीचर हैं, उन्होंने बोला था कि तुमने तो बिल्कुल रॉ जैसा काम किया, बिल्कुल साइलेंटली, किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो इतना बड़ा धमाका एक साथ हुआ। तो मैं कहा सर ये तो सीक्रेटली रखना पड़ा, क्योंकि हम कुछ भी सोचते हैं या कुछ भी करने की सोचते हैं तो लोग हौसला बढ़ाने की जगह डिमोटिवेट करने का काम करते हैं जी। अगर हम पहले किसी को बता देते कि मैंने नासा में वो पार्टिसिपेट किया है और मैं अगर विनर बना तो ये होगा वो होगा, तो ज़्यादातर लोग होते हैं ये कहते हैं कि अरे तू बनेगा विनर, ये तो देख कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं, और जो कुछ भी फालतू की बातें जी। तो जब बताया तो सबका रिएक्शन काफ़ी चौंकने वाला था, क्योंकि सीक्रेटली किसी को पता नहीं था, और मैं ऐसे ही कैजुअली सबके साथ मिलता, बातचीत करता, अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ नॉर्मली चल रही थी। तो वो बताने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा मतलब शौक भी हुए, खुश भी हुए, और सबका रिएक्शन मैक्सिमम यही था कि हाँ वो शॉक हो गए थे सुनने के बाद कि ऐसा कैसे हो गया, मतलब पता ही नहीं चला, सब सीक्रेटली काम किया। तो ये रिएक्शन था। अच्छा, कई बार जाति जो है वो कहते हैं जाति है कि जाति नहीं, तो कई बार कुछ दूसरी जाति के लोगों से जब आप मिलते होंगे तो कोई हीन भावना आपको देखने को मिली या भेदभाव देखने को मिला? यूँ तो आप बता चुके हैं दो, लेकिन फिर भी मैं आस पड़ोस के लोग जब देखते हैं तो उन्होंने अप्रिशिएट करा या क्या क्या रिएक्शन रहा, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। आस पड़ोस के लोगों का या दूसरी जाति की जैसी बात की आपने, तो ऐसा है गली में ही मैं एक बार बता रहा था जब विनर हो चुके थे और एक दो इंटरव्यू हो चुके थे, उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, मीडिया वाले क्यों आए घर पे, क्या बात हो गई, तो जब मैंने बताया उन्हें कि पूरे इंडिया से मैं अकेला जीता हूँ, तो उनका रिएक्शन ये था कि जब हम पार्टिसिपेट में जब हम इस चैलेंज में थे ही नहीं, हमने पार्टिसिपेट नहीं किया तो फिर हम हार कैसे गए, तो अगर अकेले विनर खुद को बताना गलत बात है, ये हमारे गली के लोगों का कहना था जी।
और दूसरी जाति की जो बात की हमने आपने, तो हमारे यहाँ से एक पूर्व विधायक हैं जी, नाम नहीं लूँगा मैं उनका जी। तो वो हम उनके पास गए, पापा के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे उनके पिछले 10-15 सालों से या फिर ज़्यादा से ही। तो जब हम उनके पास गए तो वो शर्मा हैं, जब उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि ज़रूरी थोड़ी है कि ये काम तुमने ही किया है। मैं कहा मैंने किया है, आपको जो सवाल हो या जो शक हो वो मुझसे पूछिए। तो उन्होंने कह रहे ऐसा नहीं है कि अब तक किसी अखबार ने नहीं दिखाया तुम्हें, किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं दिखाया तुम्हें, तो मैं कैसे मान लूँ कि तुमने किया है। मैं कहा मेरे पास सारे मेल है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारी चीज़ें मेरे पास है। तो उन्होंने कह रहे नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं कहा कोई बात नहीं। तो फिर पापा ने मुझे थोड़ा सा डांटा कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या कहना चाह रहे हैं, तुम नहीं कर सकते ये सब। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर हम वहाँ से उठ के हम अपना घर आ गए। तो वही है कि उन्हें शायद शर्म से फील हो रही होगी कुछ, या जो कुछ भी हो रहा हो जी, वो उनकी सोच है। कहते हैं गिरते हैं शहशवारे मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो देखिए कि एक अजय हैं जो एक छोटी सी गलियों में रहते हैं और उन्होंने पूरे भारत का नाम रोशन करा है, पूरे देश का नाम रोशन करा है। तमाम देश के लोग अजय आपको देख रहे हैं और वो प्रेरित भी होते हैं इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियो देख के, जैसे आपने बताया कि मैं मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ। बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे किस तरीके से इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को समझें और जानें और किस तरीके से वे अपना नाम रोशन कर सकते हैं जैसे आपने रोशन करा है पूरे देश का? ये सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फ़िलहाल अपना लाइफ का एक गोल होना चाहिए, उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। बाकी जो टाइम बचता है पढ़ाई से अलग जी, उस पर ज़्यादा फोकस करो कि कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ हो जिस पर ज़्यादा ध्यान जाए। ये नहीं कि इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर लो जी। स्क्रॉल करना है तो फिर अपना गूगल पे जाओ, उसमें काफ़ी सारी न्यूज़ मिलती हैं, साइंस से रिलेटेड मिलती हैं या स्पेस से या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ में अपना वो करो जो सबसे यूनिक हो जी। जो ऐसी चीज़ हो जो किसी ने सोची ना हो और अच्छा रहेगा वो। बाकी जो भी पेरेंट्स हैं तो बच्चे को पूरा सपोर्ट करें कि बच्चा पढ़ाई में तो पढ़ाई तो कर ही रहा है, पढ़ाई करेगा और पढ़ाई करेगा तो ही कुछ बन पाएगा जी। ये तो एक साइड होता है जी। मेन फोकस तो हमारा पढ़ाई पे होना चाहिए, हमारे गोल पे अचीव करने पे होना चाहिए जी। साइड में जो टाइम मिलता है उसमें कुछ ऐसा डिफरेंट करो, कुछ ऐसा यूनिक सा करो जो कोई और कर ना पाए जी। या कुछ ऐसा सीक्रेटली करो जो किसी को पता ही ना चले जी। जब उसमें कुछ अचीव हो तो फिर सबको बताओ और सब शौक रह जाएंगे जी। अजय आगे लाइफ में आपका क्या गोल है, मतलब आप क्या बनना चाहते हैं वह बताएं। अभी मैंने इसी साल 12th क्लास पास की है और अभी मैं फ़िलहाल नीट के लिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ जी। उनके रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट में रेस्पॉन्स अच्छा है जी। और आगे नीट 2024 को क्रैक करके मैं आगे डॉक्टर बनना चाहता हूँ जी। MBBS डॉक्टर मिनिमम जी, बाकी उसके ऊपर जो हो सब अच्छा है जी। बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर जब विदेश में पढ़ते थे तो उनको लगता था कि मैं अकेला जब इतना परिवर्तन कर सकता हूँ तो मेरे जैसे अगर 10-15 साथी होंगे तो वह कहीं ज़्यादा परिवर्तन कर पाएंगे। बाबा साहब ने उनमें से 16 छात्रों को, मतलब 16 छात्र बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर ने चुने और उनको पढ़ने बाहर विदेश भेजा। लेकिन जब वो विदेश से पढ़कर आए तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो अपनी योग्यता से गए हैं, हमने अपने संसाधन से गए हैं। तो क्या आप डॉक्टर जब बनेंगे तो समाज के लिए बनेंगे या पैसे कमाने के लिए रहेंगे, क्या लगता है क्या उद्देश्य है आपका डॉक्टर बनने के पीछे? देखिए डॉक्टर बनने के पीछे पहला उद्देश्य तो यही है कि समाज की सेवा करना है जी, क्योंकि समाज नहीं तो कुछ भी नहीं जी। तो उनकी मदद करनी है, सेवा करनी है जी। और बाकी तो पैसा कमाना तो खैर कमाना ही पड़ेगा अगर धरती पे जिंदा रहना है तो जी। बिना पैसा कुछ भी नहीं है जी। तो पैसा बाद में है, समाज की सेवा पहले है जी। हम आपको बता दें कि हम लोग अजय के फादर से भी मुलाकात हुई, एक क्लिनिक चलाते हैं और क्लिनिक के अंदर बहुत नॉमिनल चार्जेस लेते हैं और कई बार तो वो चार्ज भी नहीं लेते। हमारे साथ अजय के ब्रदर हैं जो कज़न ब्रदर हैं सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे जब आपको अजय के बारे में ऐसा पता चला कि अजय ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है, तो कैसा महसूस हुआ, कैसा फील हुआ आपको? बहुत गौरवान्वित फील हुआ क्योंकि जब अजय के बारे में सब कुछ पता चला जी तो मैं कहूँ कि शायद देश में सर्वोच्च काम किया था अजय ने।
नासा में अपना परचम लहराना कोई आम बात नहीं थी, किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। इसके अंदर जो टैलेंट जो जिस तरह से निकल के आया वो अपने में बहुत गौरवान्वित करने वाली स्थिति थी उस वक्त। सब लोग बहुत खुश थे जब पता चल गया ऐसा कुछ हुआ है, बट वही कंडीशन रहेगी, सपोर्ट ना मिलने के चक्कर में हम लोग नीचे रह गए, उतना ऊपर तक उठ नहीं पाएगा। आपका उसी तरीके से करते रहेंगे या आपका कोई मनोबल कम हुआ है? नहीं नहीं, मनोबल कम नहीं हुआ है, बल्कि एक सीख और मिली है कि अपना काम करते रहिए, दुनिया तो किसी की भी नहीं है, अपना काम करते रहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो काम बोलेगा जी। और खुद बोलने से अच्छा है कि काम बोले तो ज़्यादा अच्छा है। अजय, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर रखूँगा कि आपने एक कार्य करा नासा के लिए और आपने उसको पूरे देश के लिए काम किया है ना, लेकिन पूरे देश के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान बनाया, हिंदू कोड बिल बनाया और तमाम ग्रंथ बनाए, उन्होंने हजारों किताबें लिखी, दोनों हाथों से लिखा करते थे, इतने बड़े इतिहासकार को भी शून्य मात्र कर देते हैं, तो कैसे देखते हैं आप? वो तो मैं तो ये सोचता हूँ कि अभी वो हमारे बीच नहीं है जी, तब उनसे लोग इतना डरते हैं या इतना जेलस फील होते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि अब से पहले जब वो कभी ज़िंदा हुआ करते थे, जब वो इनके सामने से निकल के जाया करते थे, तो उनकी हालत क्या होती होगी जी। वो बेचारे या तो शर्म से मर जाते होंगे या तो जो भी है, लेकिन अभी तो है नहीं हमारे बीच। जब उनका इतना डर है, उनके लिए इतनी जेलस है, उनके लिए इतनी नफ़रत भी है जी। मैं कहूँगा नफ़रत भी है, और सबसे बड़ा दोष है ना कि आरक्षण को कोस देते हैं ये लोग कि ये तो रिजर्वेशन की वजह से आज ये डॉक्टर बन गया, या रिजर्वेशन की वजह से आज ये IPS IAS बन गया, या कुछ भी है, लेकिन इसमें तो कोई रिजर्वेशन वाला कुछ मैटर था नहीं, ये तो पूरी दुनिया भर के लिए था, ये तो वही था जिसको पता है, जिसके अंदर प्रतिभा है, वो अपना आवेदन करो और विजेता बनो जी। लेकिन जब पब्लिक इसी में इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक को सिर्फ वो इंटरेस्ट है कि ये ऊपर जा रहा है तो इसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लो, ये ऊपर जा रहा है तो इसको भी खींच लो, बस सबको यहीं रख लो, कोई आगे ना निकल जाए, और अगर खासकर वो कोई हमारे समाज का हो तो उसको तो बस पकड़ के उसके ऊपर बैठ और जाओ, उसे जाने ही मत दो। तो ये लोगों की सोच है, अगर सोच में सुधार होगा तो देश में दुनिया में बहुत जल्दी सुधार होगा। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।